नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबरें लेकर के आए हैं। जी दोस्तों, हर रोज़ हम आपको बहुत ही लेटेस्ट और अच्छी खबरें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं आप, अगर आपको अपडेट चाहिए तो, वरना नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम क्यों अपनाएं, जिसकी हमें ज़रूरत है उस चीज़ को हम अपनाएं तो हमारे जीवन में काम आने वाली जो भी खबरें हैं वही हमें चाहिए। जैसे कि जीवन में काम आने वाली खबरें हमें चाहिए तो हम उसी को ही सब्सक्राइब करते हैं, उसी चीज़ को हम देखते हैं। तो दोस्तों, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको एकदम सही और प्रूफ के साथ में अपडेट देता रहूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 3% का इजाफा। सबसे पहली अपडेट यह है, और भी दोस्तों मेरे पास काफ़ी अपडेट हैं जिसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए खुशखबरी। ये डीए से संबंधित समाचार हैं और इसीलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे नए वर्ष 2021 में उन्हें महंगाई भत्ता प्राप्त होना भी उम्मीद है। जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते के 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसे देश भर के लगभग 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। विभिन्न राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी ये लाभ मिलेगा। वर्तमान में जुलाई 2020 से 7% महंगाई भत्ता दे है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, लेकिन अभी तक इनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। हर महीना मुद्रास्फीति के औसत पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, उसी के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जनवरी और जुलाई के महीने में 2 बार महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाता है। ये भत्ता पिछले 12 महीनों से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया गया है। इसके आधार पर इसकी गणना पिछले 12 महीनों के औसत पर की जाती है। इसी संदर्भ में जानकारी देते हुए हरिशंकर तिवारी, अध्यक्ष नागरिक वधु और पूर्व राष्ट्रीय एजी ब्रदरहुड प्रयागराज ने कहा है कि नवंबर 2020 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। यदि दिसंबर के महीने में के लिए सूचकांक में कोई वृद्धि या कमी है तो 12 महीने का औसत सूचकांक 325.25 होगा। इस आधार पर 1 जनवरी 2021 के कुल 28% महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि इससे पहले जुलाई 2020 के 24% महंगाई भत्ता दे है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अब 1 जनवरी 2021 से शुद्ध महंगाई भत्ता 4% तक किया जाता जाएगा। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहले से ही 7% महंगाई भत्ता तय, जुलाई से महंगाई भत्ते में 11% भी जोड़ा जाएगा। हालांकि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का एरियर नहीं दिया जाएगा। हरिशंकर तिवारी जी ने कहा कि 7% महंगाई भत्ते का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जिसमें 1 जनवरी 2020 से 4% और 1 जुलाई 2020 से 3% शामिल है। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसे नहीं दिया है, नहीं जनवरी 2021 से जो संभावित 4% की वृद्धि होगी और सरकार के निर्णय के अनुसार 3 किस्तों को जोड़ने, यानी कि जनवरी 2021 को 7% और 4% 11% मुद्रास्फीति जुलाई के बाद से मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जानिए क्या होता है CPI
IW केंद्रीय जो कर्मचारियों का वेतन एवं डीए का आकलन इससे CPI IW पर ही आधारित होता है। जब इस आधार पर आधार वर्षों के परिवर्तित किया जाता है तो सीधा महंगाई भत्ता पर ही प्रभाव पड़ता है। CPI IW के आधार वर्ष के बदलने से निजी क्षेत्र के कामगारों के न्यूनतम वेतन में भी इजाफा होता है। सरकार इससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW के आधार वर्ष में परिवर्तन करती है। उपरोक्त उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक एवं महत्वपूर्ण मापदंड है। इसका इस्तेमाल सेवाओं एवं वस्तुओं की एवरेज वैल्यू यानी औसत मूल्य के माप के लिए किया जा रहा है। वस्तुओं एवं सेवाओं गुड्स एंड सर्विस के एवं स्टेटस एंड ग्रुप की औसत मूल्य की गणना करके उसका कैलकुलेशन किया जाता है। इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में खुदरा मुद्रास्फीति की का जो आकलन करने एवं कर्मचारियों के डीए महंगाई भत्ते की गणना के लिए होता है। दोस्तों मैं आपको और जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने अक्टूबर में बदला था आधार वर्ष। केंद्रीय कर्मचारियों को भविष्य में अच्छा खासा महंगाई भत्ता मिल सकता है। सरकार ने आधार वर्ष बदल दिया है। महंगाई भत्ता डीए में इजाफा होना तय हो चुका है। इस परिवर्तन से देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इसी वर्ष के आरंभ में केंद्रीय सरकार ने डीए के भुगतान को हरी झंडी दे दी है और जो प्रक्रिया भी शुरू होने वाली थी, लेकिन मार्च में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान डीए के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। ये रोक वर्ष 2021 तक के लिए लगाई गई है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है वह 17% है। पिछले दिनों ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली प्रीपेड उपहार घोषित किया था। इस शॉपिंग कार्ड का उपयोग कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की मुख्य अपडेट और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जानिए कैसे करें इसकी आप गणना। 2016 के नए आधार वर्ष को सितंबर 2020 से औद्योगिक श्रमिकों के लिए लागू किया गया है। महंगाई भत्ते की गणना पुराने सूचकांक द्वारा 2.88 गुणा करके और पुराने सूचकांक में परिवर्तन करके की गई है। ये महंगाई भत्ते केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों और कर्मचारियों और यूपी सहित विभिन्न राज्यों के पेंशनरों को लाभ देता है। हरिशंकर बताते हैं कि आधार वर्ष 2021 के अनुसार अगर दिसंबर 2020 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 8 अंकों की कमी थी तो महंगाई भत्ता 5% दे होगा। यदि मुद्रास्फीति 3% और सूचकांक में 24 अंकों की वृद्धि हुई थी, हालांकि इस तरह की कमी या वृद्धि किसी एक महीने में संभव नहीं है, इसलिए महंगाई भत्ता केवल 4% दे होगा। बताया कि दिसंबर 2020 का इंडेक्स एक महीने के बाद जारी किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, अपडेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए कहीं से भी अपडेट लेकर के आते हैं और राइट अपडेट हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, वो भी सबसे पहले। और हम
आपके लिए कर रहे हैं तो आप बस इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। कितनी हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का भी हमें फल मिलना चाहिए। इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक बड़ी अपडेट और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।